Hello everyone. Our today's topic is Law of Reciprocal Proportion. Law of Reciprocal Proportion को आप equivalent proportion भी कह सकते हैं. पहले हम statement लिखते हैं law को समझने से पहले. तो statement क्या कह रहा है आपका? When two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio of the masses in which they do so are either the same as or a simple multiple of the ratio of the masses in which they themselves combine. ठीक है, जब आप लॉ को पढ़ें, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ें, तो आप ध्यान से फोकस करके पढ़ो कि कौन से वर्ड इसमें, कौन सा पार्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब आप एक एक करके समझते जाओ कि लॉ क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअली में क्या है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो आप फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? When two different elements combine separately with a fixed mass of third. अब बोल दिया है third. इसका मतलब एक चीज तो मुझे समझ में आ गया law of reciprocal proportion से कि इसमें कितने element combine होते हैं? तीन element combine होते हैं. तो जब three elements combine हो रहे होंगे कहीं पर भी, तो वो कौन सा proportion होगा? वो reciprocal proportion होगा. तो अब देखिए वो तीन element कैसे combine होते हैं. पहले अपन इस sentence पे based example को लिखते हैं. मेरे पास example है, carbon हो गया एक element, सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया. अब कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से. और सल्फर भी किससे करेगा? ऑक्सीजन से. तो जब कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट किए, तो ये कंपाउंड बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड. और सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किए, तो ये बना लिए SO2. अब आप एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो दोनों एलिमेंट हैं अलग अलग कंबाइन होंगे. किससे कंबाइन होंगे? तीसरे एलिमेंट से, जिसका मास फिक्स होगा. तो यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, वो कौन सा है थर्ड एलिमेंट? ऑक्सीजन जो है मेरा थर्ड एलिमेंट. ये मैंने लिख दिया थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन. अब दोनों का लिखते हैं कि दोनों क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे. कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लिख लेते हैं. कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आपका हो जाएगा 12:32, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16. लेकिन यहाँ पे क्या है? O2 है, तो मास क्या हो जाएगा? 32. तो 12:32 लिख लिया मैंने. अब दूसरी साइड आ जाइए, यहाँ पे देखो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये बना रहा है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसमें सल्फर का जो मास है वो कितना है? 32, पता है आपको. ऑक्सीजन का यहाँ पे भी O2 है, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा. तो आप दोनों का रेशियो में एक चीज देखिए, ये जो 32 है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले में भी ऑक्सीजन का मास फिक्स है, और SO2 वाले में भी ऑक्सीजन का मास फिक्स है. और यही स्टेटमेंट कह रहा है कि फिक्स्ड मास वाले से ही कंबाइन करेगा. क्या वो भी कैसे कंबाइन करेगा? सेपरेटली कंबाइन करेगा. सेपरेटली कंबाइन करने के बावजूद हम एक चीज ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसका मास क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है. चलिए अब हम देखते हैं कि अभी स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, अब इसके आगे बढ़िए. तो ये तो हो गई हमारे पहले दो लाइन की बात, जब हम ये कह रहे हैं कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ये देख लिया हमने कैसे कंबाइन हुए सेपरेटली, ये भी देख लिए विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट को भी देख लिए इसमें से किसका मास फिक्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास फिक्स किया हमने. आगे वाली लाइन में आइए, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो. अब रेशियो ऑफ द मासेस देखना है हमको. अब ये जो आपने ये दो कंपाउंड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अब इसमें अपन को कार्बन और सल्फर का रेशियो देखना है जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है. कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ द मासेस. निकालते हैं, देखो ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है, तो ऑक्सीजन के मास को आप मत छूइए. अपन को किसका रेशियो निकालना है? C:S, मतलब कार्बन और सल्फर का आपको रेशियो निकालना है. तो कार्बन का कितना मास दिया था? 12. सल्फर का कितना है? 32. तो 12:32 हो गया. इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो कितना आ जाएगा? 3:8. ये तो आ गया आपका इन दोनों का. आगे आइए, अब आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मासेस इन विच दे themselves कंबाइन. अब लास्ट लाइन में आपको जोर देना है कि क्या, अब एक और कौन सा कंडीशन बच गया? जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे. कौन दोनों? कार्बन और सल्फर. अब ये कार्बन और सल्फर जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, पहला बना था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बना था सल्फर डाइऑक्साइड, अब बन रहा है तीसरा कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 बन रहा है. तो अब आप ये देखिए CH2 में दोनों का, कार्बन और सल्फर जो है उसका रेशियो क्या आता है? कार्बन का मास ले लो 12, सल्फर का मास कितना हो जाएगा? सल्फर का मास, S का मास होता है 32. कितने हैं? दो सल्फर है, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा. इसको अपन सिंप्लीफाइड कर दें, ये आ जाएगा 3:16. चलिए अब ये जो आपका आया है, जो देमसेल्व्स कंबाइन हुए हैं, ये वाला
और जो पहला वाला आपने रेशियो निकाले थे कार्बन और सल्फर का, जिसका रेशियो आया था 3:8, इन दोनों का अपन को कंपेयर करके सिंपल रेशियो बनाना है, यही रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है। तो ये हो जाएगा 3/8, 3/16, 3 कैंसिल हो गया, ये जो है 2 और 16 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया कितना आ जाएगा आखिरी में 2/1। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आप और देख लो, अब मेरे पास एक और एलिमेंट है, ठीक है। अब अपन ने ले लिए 3 एलिमेंट, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अपना फिर से अगर मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाऊँ तो जो थर्ड एलिमेंट है मेरा वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो एक बार सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा और एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा सेपरेटली। जब सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा, हाइड्रोजन अपना थर्ड एलिमेंट है, जब सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं, और दूसरा वाला जो है वो क्या बनाएगा, H2O, वाटर बनाएगा। तो जब H2S है, अब इसका रेशियो देख लेते हैं क्या होगा, H2S में हाइड्रोजन का मास हो गया 2, सल्फर का मास हो गया 32। अब इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी ज्यादा सिंपल करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी में अभी अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, बाद में सिंपल निकालते हैं। अब H2O में हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, दोनों ही रेशियो में, चाहे वो H2S का लो चाहे H2O का लो, जो हाइड्रोजन है आपका उसका मास दोनों ही कंडीशन में फिक्स है। इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है कि फिक्स मास वाले से कंबाइन करेगा, ये बात क्लियर हो गई मेरी। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। किन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, आपको जो है रेशियो निकालना है सल्फर और ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सल्फर और ऑक्सीजन, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है, अब आप लिखोगे कि ये आपका सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ मासेस। अब देखो मासेस क्या है, सल्फर का दिया है 32, ऑक्सीजन का दिया है 16, तो 32/16 कितना आ गया आपका, 2/1 आ गया। अब देखिए आगे, अब इस कंडीशन में, अब ये जो आपका, अपन ने आखिरी में क्या बोले हैं, दे कंबाइन सेपरेटली, जो जब सेपरेटली कंबाइन करेगा तो SO2 बनाएगा। SO2 में सल्फर का मास हो गया 32, ऑक्सीजन का भी मास हो गया 32, कितना आ गया, 1:1 आ गया। अब अपन देखो, अब अपन को इन दोनों को कंपेयर करना है, ये SO ये वाले मास को जो सेपरेटली कंबाइन हुए थे और जो देमसेल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो इनका जो मास आप कंपेयर करोगे तो 2/1, 1/1, ये कैंसिल हो जाएगा 1/1, आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका सिंपल रेशियो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।